स्वागत है आपका बिजनेस की पाठशाला में। आज की क्लास में हम सीखेंगे बिजनेस वॉलेट को टॉप करने के अलग अलग तरीके, वॉलेट टॉपअप कैसे करें। बिजनेस लेकर आया है आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छह से भी ज्यादा ऑप्शंस वॉलेट टॉप करने के। चलिए जानते हैं इन ऑप्शंस को। बिजनेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अपने डिटेल्स दर्ज कर लॉग इन करें। होम स्क्रीन में टॉपअप बटन में क्लिक करें। सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा वर्चुअल अकाउंट का। जी हाँ, यह है सबसे आसान और फ्री तरीका अपने वॉलेट को झटपट टॉपअप करने का। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस स्क्रीन में एक 10 अंकों का अकाउंट नंबर बनाने के लिए पूछा जाएगा। आप अपनी मर्जी का कोई भी 10 अंक यहाँ दर्ज कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि हमें याद रखने में आसान रहेगा। सबमिट करने पर आपका वर्चुअल अकाउंट बन जाएगा, जिसकी डिटेल्स स्क्रीन में दिखाई देगी। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसमें ये डिटेल्स नए बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करें। ध्यान रखें, बेनिफिशियरी ऐड करते समय अदर बैंक सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। बेनिफिशियरी नेम बिजनेक्स्ट, अकाउंट नंबर BNXT एवं आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर, IFSC कोड ICIC00001 04। अब आप कभी भी इस अकाउंट में पैसे IMPS, NFT या RTGS के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यदि आप IMPS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करेंगे तो तुरंत अपने आप वॉलेट टॉपअप हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई डिपॉजिट रिक्वेस्ट नहीं डालनी। इसके साथ ही बिजनेस लेकर आया है और भी अनेक तरीके वॉलेट टॉपअप करने के, जैसे कि UPI। UPI से वॉलेट टॉप करने के लिए UPI में क्लिक कर नेक्स्ट में क्लिक करें। जो राशि आप वॉलेट में डालना चाहते हैं वो यहाँ दर्ज करें एवं अपना UPI ID दर्ज कर प्रोसीड में क्लिक करें। आपके मोबाइल में UPI ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट अप्रूव करने का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट अप्रूव करेंगे उसी क्षण आपका वॉलेट टॉपअप हो जाएगा। वॉलेट टॉपअप करने के लिए आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तरीका बड़ा ही आसान है। कार्ड में क्लिक कर नेक्स्ट में क्लिक करें, सारी डिटेल्स दर्ज करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। आपके मोबाइल में बैंक द्वारा एक OTP आएगा जो आपको यहाँ दर्ज करना है। सबमिट बटन में क्लिक करें। सही OTP की पुष्टि होने पर आपके वॉलेट में राशि 4 से 24 घंटों में जमा हो जाएगी, जिसे आप वॉलेट समरी में देख सकते हैं। इसी तरीके से आप इंटरनेट बैंकिंग या अन्य वॉलेट जैसे कि MobiQuick या PhonePe से भी वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के अंतराल बैंक सर्वर में कुछ इशू होता है या किसी भी तकनीकी वजह से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता और आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आप यहां रिसेंट ट्रांजेक्शन में क्लिक कर उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। स्टेटस चेक बटन पर क्लिक करके उसका मौजूदा स्टेटस चेक कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे या सक्सेसफुल होने पर वॉलेट में टॉपअप हो जाएंगे। अगर इस प्रक्रिया से भी आपकी समस्या हल नहीं होती तो आप लाल बटन पर क्लिक करके कंप्लेन रेस कर सकते हैं। यहां आपको कंप्लेन टाइप एवं ट्रांजेक्शन आईडी पहले से ही दिखाई देगा। इशू टाइप में क्लिक करके दिए हुए विकल्पों में से सही चुनाव कर आगे बढ़ें। कमेंट में आप चाहें तो विस्तार में आपकी परेशानी लिख सकते हैं। रेस बटन पर क्लिक करते ही आपकी कंप्लेन हम तक पहुँच जाएगी, जिसका जल्द से जल्द निवारण कर आपको अपडेट दिया जाएगा। आपको कस्टमर केयर कॉल करके लंबी कतार में इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखा, कर दिया ना बिजनेस ने सब कुछ कितना आसान। बिजनेस के साथ जुड़े रहें एवं निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें। बिजनेस से जुड़े रहने एवं समय समय पर जानकारी वाले वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।